नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी हम नई दिल्ली पहुंचे हैं, नई दिल्ली में मौजूद हैं और यहां से आपको खबर दिखाएंगे। आज आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे, उस महिला की अगर आप बीती सुनेंगे तो शायद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई घर का सदस्य अपने ही घर के सदस्य के साथ ऐसा कर सकता है। आपको बता दें कि महिला जो है सिवान जिले के गुडनी थाना क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली हैं और महिला जो है अपने ससुर पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। क्या आरोप लगा रही हैं, आज इस खबर में, इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आइए देना करते हुए सीधे लग चलते हैं। सबसे पहले इस महिला का हम परिचय जानते हैं। जया तिवारी, क्या हुआ था आपके साथ? बातें हमारे साथ बहुत हुई हैं, पर जितना सहनीय था हम सहे, जितना नहीं सहनीय है उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे ससुर हमसे उल्टा सीधा डिमांड कर रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल हम नहीं चाहते कि ये सब हम उनकी डिमांडों को माने, पूरा करें, और हमसे ये सब नहीं होगा, इसके लिए हमारे साथ में अन्याय किया जा रहा है। आपके ससुर आपके साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, और इसी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हैं और आप हमसे सवाल कर रहे हैं। कहाँ शादी हुआ था आपका? हमारी शादी हुई थी श्रीकरपुर, हुई थी गुटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है श्रीकरपुर गाँव, वहीं पे हमारी शादी हुई थी। कब हुई थी? 2012 में हुई थी मेरी शादी। शादी को 12 साल हो गए। कैसे आपको पता चला कि हमारे साथ गलत संबंध बनाना चाहते हैं? हमारी सासू माँ के घुटनों का ऑपरेशन हुआ था 2020 में, उसी समय हमसे उल्टी सीधी बातें करने लग गए। जैसे हम चाय लेके जाएं तो तुम हमको अच्छी लगती हो, और जो लड़की हमको पसंद आती है वो मेरी होती है, ऐसा करके बातें करने लग गए। तो हमारे समझ में आ गया कि कोई भी समझ जाएगा, लड़कियों के पास इतना क्षमता होता है कि वो समझ जाए, कि तभी हम समझ गए थे। उसके बाद आपके ससुर का क्या नाम? मेरे ससुर का नाम श्री नारायण तिवारी है। अभी मतलब कि आपके बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चों को अपने पास रखा गया है, हमें मजबूर करने के लिए हमारे बच्चों को अपने पास में रखा गया है। बिल्कुल इसीलिए रखा गया है हमारे बच्चों को अपने पास में। बोले हैं FIR दर्ज करवाए थे, पर कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। अपना टारगेट डन करने के लिए हमारे बच्चों को मोहरा बनाया जा रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ में, अभी हमको पता नहीं है कैसे हैं हमारे बच्चे, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, अभी हमको ये भी नहीं पता है। गए थे, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कब तक हमारे बच्चे हमारे हैंड में आते हैं। कब FIR किए? FIR हम एप्लीकेशन दिए थे 30 तारीख को, 29 का मामला था। उस समय मारपीट हुई थी हमारे भाई के साथ में, तो हम उस समय नर्वस हो गए थे। हम सुबह एप्लीकेशन दिए, अगली सुबह FIR दर्ज हुआ, और उसके बाद भी अभी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे मिलके लीपापोती हो रही है। ऐसा नहीं ना कि उनके ऊपर गलत आरोप लगा रही है? बिल्कुल, क्यों गलत आरोप? बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, गलत आरोप क्यों लगाएंगे हम? हमको आरोप लगाना होता तो हम यही कहते कि हमारे साथ 2012 से ही घटनाएं हो रही हैं, क्यों हम क्यों आरोप लगाएंगे? अपने घर की इज्जत को लेके आता है तो बहुत मजबूरन आता है, और अब हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं। अभी भी हमारे आवाज को दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन एक औरत कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी? उस घर में और भी तो बहुएं हैं। तो कहाँ रहती हैं वो? नहीं रहती, वो घर में नहीं रहती हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बड़े घर की लड़कियां हैं, हम एक छोटे परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी की मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से 16 साल से हमारे पिताजी लापता हैं। दहेज का कोई मामला नहीं? नहीं, दहेज का मामला तो उस समय दहेज नहीं लिए थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने मांगा था, 10 कट्ठा जमीन मांगे थे। जमीन नहीं देने पे बहुत सारी बातें हुई थी, हाथ का नस वस भी काट लिए थे, फिर भी हम वो भी बर्दाश्त कर पाए थे। हम सोचे चलो हमारे लिए इतना बवाल हो रहा है तो ठीक है। वो भी लास्ट में जब हमारे ही बच्चों से, हमारे इज्जत से सौदा किया जा रहा है, ये हमको मंजूर नहीं। इसके लिए हम आवाज उठाए हैं, भरपूर कोशिश की जा रही है हमारी आवाज को दबाने के लिए, देखते हैं कितना कौन दबा पाता है। ऐसा नहीं ना कि दहेज के लिए आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? एक दहेज अलग चीज होती है और भेड़ियापंती अलग चीज होती है। आप दहेज को ऐसे ही पूरा करेंगे, दहेज आपको उस समय बताना चाहिए कि हमको दहेज चाहिए, लेकिन बाद में डिमांड किया गया, दहेज नहीं, हमारी मम्मी नहीं दी, जमीन मांगा गया। उस समय भी बहुत सारी बातें हुई थी, जितना सहनीय था उतना हम सहे। अब बाकी बर्दाश्त से बाहर की चीजें हैं तो हम आवाज तो उठाएंगे ही। हस्बैंड आपके क्या कहते हैं? हमारे हस्बैंड हमारे साथ में। क्या बोले इस मामले पे?
वो अब कोई माता पिता अपने बच्चों से दूर रहेगा तो क्या बोलेगा, क्या कहेगा? बच्चे आपके कितने बड़े बड़े? मेरे बच्चे, एक बच्चा मेरा 10 साल का है, बड़ा वाला, छोटा वाला 8 साल का है। और ज्यादा दिन तक बच्चों, अभी तो ये नहीं पता है कि हमारे बच्चे अभी क्या बोल रहे हैं, बोल हमसे तो बातचीत भी नहीं हो रही है कि हमारे बच्चे हमसे कुछ कह पाए। अभी बच्चे भी कुछ नहीं कह रहे हैं, हमसे कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है बच्चों से, तो क्या बताएं कि हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं। प्रशासन से आप क्या कहेंगे आखिरी बार? प्रशासन से हम यही कहेंगे कि लीपापोती ना की जाए, और उचित न्याय के लिए बिठाया गया है तो उचित न्याय करना चाहिए। अगर कानून का रक्षा करने के लिए बैठाया गया है आपको, और कहाँ कोई जाएगा? जब घर से परेशान होगा, घर सब लोग परेशान करेंगे, तो कोई कहाँ जाएगा? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको पावर दिया गया है तो पावर का सही इस्तेमाल कीजिए, और न्याय कीजिए। न्याय करने के लिए आपको बिठाया गया है तो न्याय कीजिए, आप लीपापोती ना करें।